हाँ जी, वेलकम बैक जी. आप देख रहे हैं लीगल आवर विद लियाकत हुसैन साहब. हम आपके इमिग्रेशन के हवाले से फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं और उन पे जवाब दे रहे हैं. काफ़ी चेंजेस आई हुई हैं. हमारी कोशिश ये होती है शो पे, जैसे लियाकत साहब जानते हैं, कि फ़ोन कॉल्स ज़्यादा लें, तो माजर चाहते हैं कि ज़्यादा तफसील में ये हाँ डिस्कस नहीं कर चलो सकते, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो कॉलों का सिलसिला शुरू प्लीज़। करते हैं. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैन आई आस्क स्टार्ट फॉर रिपीटेड क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, प्लीज़ गो अहेड. प्लीज ओके, एक्चुअली राइट नाउ आई एम स्टडिंग एसएससी एंड आई डोंट वांट टू कैरी ऑन बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, मोर टाइम एक्चुअली। नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टडी एमबीए। कैन आई डू इट बिकॉज द न्यू रूल्स सेज लाइक इट हैज टू लिंक टू द प्रीवियस कोर्स एंड यस बोथ आर लेवल 7, सो यस एसएससी टू एमबीए, कैन आई डू इट? यस यू दैट्स माय कैन डू क्वेश्चन। इट, बट फ्रॉम नवंबर द चेंजेस विल अफेक्ट फ्रॉम नवंबर। So then he So can change it yes, now, but he from can change November it. he cannot, Yeah. if there's no link. Yeah. So as far as we Sir, it can says from August, No, it's it's not starting from from August. No, it's not from August, it's from sorry. Yes, you are right, from August, yeah, August. from next month. Yeah, you can. Yeah, and I think the course is September. Can I do it? Yes, of course you can Both do. are there. Yes, you can make an application to the Home Office. It's up to the Home Office whether they will allow it or not. Absolutely. There is no guarantee at all. Either way, there is no guarantee, even Of if it was course, not no, there is starting. no guarantee at all. But he has to make an application. Absolutely. So best to make an application and find out what the decision Yeah. might end up being. थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल. इन्होंने भी बड़ी क्लेवरली ये हरकत की है. अगस्त का रखा है कट ऑफ पॉइंट. उनको पता है कि सितंबर में सारे कोर्सेज शुरू होते हैं, शुरू होते हैं ना मेरे को, तो इन्होंने भी अपनी जो ये टैक्टफुली चेंजेस किए हैं, इन्होंने भी काफ़ी लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा ना जी कि डिस्क्रेशन. हम ये देखेंगे कि क्या लिंक क्या है पहले बिल्कुल कोर्स से इस कोर्स में, और क्या इनको फ्यूचर में इन पे यह उसका बेनिफिट. फ़ायदा होगा या नहीं। अच्छा, हम कहते हैं कि फिर यूनिवर्सिटी से हम ये भी देखेंगे, इंटरव्यू भी लेंगे, कोई यूनिवर्सिटी भी यंकी फेंकी तो नहीं कर रहे पैसे लेके, कह जी दें वहाँ बिल्कुल, जी ठीक है जी बिल्कुल. जी। चलिए जी, शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का. अगली कॉल लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, नवीन बात कर रहा हूँ जी. मैंने पूछा था कि इसमें मैंने PSW अप्लाई किया था, लेकिन वो डिसेप्शन की वजह से मेरा वो रिफ्यूज हो गया था. मुझ पर एक ट्रैफिक का ऑफेंस था, वो मैंने अपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया. जी तो लेकिन एक मेरी वाइफ है, उसके पास एंटरप्रेन्योर का वीजा है, और मेरी एक बेटी है यहाँ पे. इस वक्त मेरा स्टेटस कोई नहीं है यहाँ पे, मैं इलीगल हूँ. तो जी मुझे अपना केस अप्लाई करना चाहिए या मैं वेट करूँ जब तक इंडेफिनेट ना हो जाए मेरी वाइफ का? नहीं, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। ज़ाहिर है हर वक्त आप घर पे तो नहीं बैठ सकते, बिल्कुल. बाहर आना जाना है, कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, तो परेशानी होगी आपको भी, बच्चों को भी और फैमिली को भी। जी तो बेस्ट ये है कि अप्लाई कर दें, अप्लाई करते हैं उसके एप्लीकेशन हो उनके उस. डिपेंडेंट के तौर पे, जी उनके बिल्कुल एंटरप्रेन्योर वीज़ा है ना उनके पास। जी. हाँ जी तो नवीद साहब, आपने यही बस पूछना था? जी, मेरा यही क्वेश्चन था. तो इसके चांसेस कितने एक परसेंट होते हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा? भजन अक्सर हमारे जो लोग सवाल लोग करते हैं नाजरीन, ये कि चांसेस कितने हैं। जी मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई जो केस वर्कर है वो किस मूड में बैठा है। जी बिल्कुल. जिस तरह पहले आपका रिफ्यूज़ल है वो इग्नोर भी कर सकता था, ट्रैफिक इवेंट्स आपने नहीं किया, वो जी लेटर लिख के पूछ भी सकता था कि आपने ये मेंशन क्यों नहीं ये मेंशन किया. क्यों नहीं किया, एक्सप्लेन कर दें, आप एक्सप्लेन कर सकते थे, या शायद ये खुद ही डील किया होगा इन्होंने। जी तो अब भी चांसेस तो हैं कि इनकी वाइफ के पास एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, तो डिपेंडेंट के तौर पर इसके इनकी बच्ची भी है, जी चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो लेकिन ट्राई करके देख लें ट्राई करके आगे. देख लें। अच्छा, अब नहीं करेंगे अगर इनकी मिसेस को इंडेफिनिट मिल भी जाता है तो, अगर रिफ्यूज़ करने में तो उस वक्त भी कर देंगे जी ना। बिल्कुल, जो वो तो उस पे डिस्क्रेशन पे अच्छा है. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवी साहब आपकी फ़ोन कॉल का. अगली कॉल लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये मैंने ये लियाकत साहब से सवाल एक पूछना था. हाँ जी, पूछिए. सर मैं यहाँ स्टूडेंट वीजे पे हूँ. मैंने अभी अपना MBA कंप्लीट किया है, जी और इसके बाद मेरी स्पेनिश फियांसे है. तो हमने शादी का नोटिस अभी कोई 15-20 दिन पहले दिया है नोटिस. जी तो उन्होंने हमें वो बताया था कि 29 डेज का टाइम पीरियड होगा. लेकिन मैंने सवाल ये पूछना है कि मेरा वीजा नंबर 1 तो एक्सपायर हो रहा है एंड ऑफ अगस्त 28 को, वो तो 28 डेज के अंदर आ रहा है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि वो नोटिस 70 डेज तक भी कर सकते हैं, बल्कि 70 डेज से भी खींच के ज़्यादा कर सकते जी हैं बिल्कुल. अगर वो ये देखें तो
तो बेहतर ये होगा कि अगर रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होती तो आपकी मिसेज जो है वो यूरोपियन नेशनल आप फरमा रही हाँ स्पेनिश स्पेनिश हैं, तो एक अप्लीकेशन दे दें इस रिलेशनशिप की बुनियाद पे जी बिल्कुल, ताकि अब स्टे ना आप हों, क्योंकि अगर अब वो करते क्या एंट्री करते हैं वहाँ लटका रखेंगे, इनका वीज़ा ख़त्म है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन वाले दिन जाएंगे वहाँ दूल्हा बनाने पहुँचे होंगे, इलीगल हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि उनके शिकंजे में फंसने से पहले ये एप्लीकेशन दे दें, रिलेशनशिप की बेसिस पे एप्लीकेशन कर दें, एप्लीकेशन दे दें कि रजिस्ट्रेशन हम इसलिए नहीं करा पाए कि अभी हमें। हाँ जी बिल्कुल, चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से। मैंने ये पूछना था, मैं अगर एक दिन आया था इस कंट्री में जी, ठीक है जी, 2011 में मैंने एप्लीकेशन डाली थी ह्यूमन राइट्स की जी, ठीक है, वो रिफ्यूज हो गई, तो फिर मैंने रिकंसिडर के लिए अप्लाई किया, फिर उनका जवाब आया 2014 में क्वेश्चन मार्क आए, फिर मैं वो फिलअप करके भेजे, अब 2015 में जुलाई में ये मुझे उन्होंने रिपोर्टिंग पे लगा दिया, वो कहते हैं हम आपका कौन सा डिसीजन करें, फिर हम मैंने उनको बोला आप मेरा ह्यूमन राइट्स पे डिसीजन करें, फिर वो कहते हैं मुझे आप ना एवरी मंथ रिपोर्टिंग के लिए आया करें जी, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं ये मेरे लिए क्या बेटर है, यानी मुझे अप टू 10 इयर्स आई एम लिविंग देयर दिस कंट्री, ये और ये भी अप्लाई कर, ये भी मैंने उनका 10 साल से ऊपर हो गया लेकिन मैं अनरेडी इस कंट्री में आया था, वो सारा मैंने उनको प्रूफ दिया है जी। तो आप लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आप इंतजार कर ले मेरे भाई, जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है, एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है तो रिपोर्टिंग कर आएँ जी, बिल्कुल, देखना चाहते हैं कि जो टर्म एंड कंडीशन हम इन पे इम्पोज कर रहे हैं क्या उसको फुलफिल करते हैं या नहीं। बिल्कुल, तो जब वो कर रहे हैं रिपोर्ट करेंगे, आपको पता है कि हमने एक बहुत अरसा पहले एक डिस्कस किया था जी, कि अब वो ये करने जा रहे हैं कि जिनको लिमिटेड लीव मिली है 2.5 साल की, उनका लेटर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए जी बिल्कुल, या वो चेक करेंगे बिल्कुल, तो कर्टेल भी कर सकते हैं जी, क्या वो कंडीशन कंटिन्यू करते हैं या नहीं। बिल्कुल, और अगर रिपोर्टिंग तो पे लगाया जैसे तामन करना चाहिए उनके साथ जी बिल्कुल, तो अगर रिपोर्टिंग पे लगाया तो रिपोर्टिंग पे लगे रहें जब जी बिल्कुल, जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग है इनकी, अगर ना करेंगे तो इनको अपील का हक होगा या जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हैं जी, तो ये जैसे जा रहा है वैसे आराम से करते रहें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं रजाक भट्ट बोल रहा हूँ लंदन से। जी, क्या पूछेंगे आप? जी, मैंने सर से ये पूछना था, मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, मेरे बच्चे और मैं इटालियन हूँ जी, मेरी वाइफ के पास वीजा था लंदन का 6 मंथ का जी, और हमने अप्लाई किया, होम ऑफ वीजा वालों ने रिफ्यूज कर दिया कि आपकी जॉब, उन्हें हमारी जॉब कंफर्म नहीं हुई, तो ये पूछना था, हमें कल ही अभी वापस आए हैं डॉक्यूमेंट, तो इसका हमें दोबारा अपील करेंगे, वीजा दे देंगे वो दोबारा जॉब डॉक्यूमेंट वगैरह? नहीं मेरे भाई, अपील का फ़ायदा नहीं होगा, आपको नई एप्लीकेशन दें, ज़ाहिर है आपने ये प्रूव करना है कि आप राइट ऑफ ट्रीटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी बुनियाद पे आपके डिपेंडेंट को हैं जिनको 5 साल का यहाँ वीज़ा मिलेगा। अगर आपकी जॉब कन्फर्म नहीं हुई जी, ज़ाहिर है उन्होंने मे बी फ़ोन किया होगा, आप एम्प्लॉयर ने कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं किया हो जी बिल्कुल, तो आप उनसे लेटर लेके नई एप्लीकेशन दें जी जी, यानी कि बस ये कि नई एप्लीकेशन दें, नई एप्लीकेशन डालें ताकि फिर कोई मसला ही ना उसमें, बैंक स्टेटमेंट लगाएं, पे स्लिप्स लगाएं, एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाएं, सारा ये करके अप्लाई कर दें। वो यही है कि वो फिर सारी बात देखना चाहते हैं कि दोबारा कोई ऐसी क्वेश्चन बाकी ना रखें। फ़िलहाल जी बुनियादी शर्त ये है जो यूरोपियन है वो करें कि राइट ऑफ ट्रीटी एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, UTR नंबर होगा, उसका रेफरेंस होगा, इनकी बैंक स्टेटमेंट होगी, अकाउंटेंट का लेटर होगा, अगर ये इम्प्लाई है जी तो उस सूरत में इनकी पे स्लिप्स हों, बैंक स्टेटमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो, और हाँ कन्फर्मेशन तो ज़रूर करेंगे जी। ये भी होता है कि कुछ लोगों ने रहाइश ऊपर रखी है, नीचे उनकी दुकान है, तो उनको भी शक पड़ता है कि जी ये मसला क्या है जी, तो इसलिए अगर आप जो इनके ये एम्प्लॉयर हैं उनसे कह दें कि अगर दोबारा फ़ोन आए ज़रा कन्फर्म करते हैं ना जी वो जी, कि क्या उनका जो कारोबार है जो इनके एम्प्लॉयर हैं वो रजिस्टर भी है या नहीं जी बिल्कुल, ये वो सारी बात जेन्युइन देखेंगे, तो इस चीज़ में शक ही ना छोड़ें कि इनकी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एम्प्लॉयमेंट लेटर लें, सारी डिटेल्स दें और फिर भेजें ताकि फिर उनको रिफ्यूज़ल का वो भी ना हो। कॉल लेने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करी थी, सॉरी माजर चाहती हूँ, जब फ़ोन कॉल आएगी तो मैं आप मुझे बंद करना पड़ेगा। अब ये चेंजेस उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी ला रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी जो आ रही है, ज़ाहरी बात है डर कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स अब वहाँ से आए, बड़े कम स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है जो यहाँ आ सकते हैं, हमारे ज़्यादातर जो मुल्कों से लोग आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी,
वो काफ़ी अपने पैसे वैसे खर्च करके अपने बच्चों के यहाँ भेजते हैं। अब जो ये नए स्टूडेंट्स पे जो नई चीज़ें लागू होंगी, कंसिडरिंग के कॉलेजेस बंद खुद हो रहे हैं, अब इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नए कोर्स की इजाज़त सिर्फ उस वक्त दी अगर वो लिंक होगा उससे, हाँ जी उसी लेवल की ना, उसी लेवल पे। उसी लेवल का। अब वो ये भी हो सकता है कि अगर वो कोर्स चेंज करें और लिंक ना हो, ये फिर होम ऑफिस अपनी डिस्क्रेशन पे रखेगा कि या कहेगा नहीं ये तो लिंक ही नहीं होता हम नहीं देते, या वो देखेगा कि मे बी जैसे अभी हमारे लास्ट कॉलर नहीं, मुझे ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का लेटर भी तो चाहिए होगा ना साथ। जी, और फिर वो सिर्फ ये भी नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी का लेटर लेंगे, वो कहेंगे कि वो डिटेल में, डिटेल में मैं कहते हैं ना हम यूनिवर्सिटी वालों का इंटरव्यू करेंगे कि क्या कोई अब्यूज़ तो नहीं सिस्टम हो रहा। कोई सारी बातें जहाँ सिस्टम हाँ, है वहाँ कोई ना कोई तरीका भी होता है। लेकिन साहब एक और इंटरेस्टिंग चेंज है इस स्टूडेंट्स के जो उसमें है कि जो स्टूडेंट डिपेंडेंट आते हैं, यानी कि वाइफ या हस्बैंड, वो कोई भी जॉब ले सकते थे पहले, अनस्किल्ड जॉब आप कह सकते अनस्किल्ड जॉब। हैं। जी, तो अब इन्होंने इसमें भी एक तब्दीली ले आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप जो डिपेंडेंट है अनस्किल्ड जॉब नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब उनको कोई ना स्किल कोई, जाओ। तो ये काफ़ी, अब हर बंदा तो किसी स्किल के साथ नहीं आता, तो यानी कि बिल्कुल ही वो किसी तरह डिपेंडेंट पे भी एक वो कहते हैं ना, मतलब हर लिहाज से कोशिश की है ना जी, कोई आए पढ़े तो जाए या रुके ना, यानी कि कोई भी अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ यानी हाँ जी बिल्कुल। इसमें जो आप सोचते हैं कि ये जो सारे ये जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, जो 7-8 चेंजेस इन्होंने भेजे हैं, इस पे कोई चैलेंज का कोई फ़ायदा है कि चैलेंज होगा? सॉरी माजी चाहती, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगी, फ़ोन कॉल पे मैं जी होल्ड नहीं प्लीज़ करवाना चाहती, प्लीज़। अगली कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी मैंने आपसे ये पूछना है कि मैंने 2012 में ट्राई किया था, लेकिन मैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हूँ अभी, जी सॉरी मैं टीयर टू के ऊपर हूँ अभी। तो मैंने जी 2012 में ट्राई टेस्ट किया था, जी तो उसकी वजह से अभी इन्होंने बड़ी प्रॉब्लम की हुई थी, तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया। तो आप मुझे ये बताएं कि ट्वाइक मैंने खुद किया था सब कुछ, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कोई छेड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है, तो ये कोई मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है इन द फ्यूचर? क्योंकि मेरा अभी 1 साल तक जो है वो एक्सटेंशन है नेक्स्ट सितंबर में, और मैं क्या कहते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूँ किसी स्टेप फर्म के लिए, जी। तो आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं? दूसरा, मैंने 2013 जुलाई में शादी भी की हुई है ब्रिटिश लड़की से, जी, तो लेकिन मैंने वो केस नहीं डाला है, जी। तो आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं कि मैं ट्रैवल करूं पाकिस्तान तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑन द वे बैक, और उसके अलावा क्या कहते हैं और शादी पे स्विच कर लूं, आप क्या एडवाइस करते हैं मुझे? जी मेरे भाई, बात यह है कि अगर आप ट्रैवल ना करें तो बेहतर है जी, बिल्कुल। बिलीव मी, आजकल एयरपोर्ट पे इतना रगड़ा देते हैं जी, बिल्कुल, खासकर ये पॉइंट बेस सिस्टम, उसमें टीयर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है सारे, तो जहाँ आपके वो सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि आपकी जो एक्सटेंशन हुई है या वर्क परमिट आपने लिया उसमें आपने ट्वाइक बेशा खुद किया जी, इट डजंट मैटर, वो तो बाद में प्रूव होगा ना, बिल्कुल। आपको एयरपोर्ट पे 4-5 घंटे का रगड़ा देंगे, हमारे इसी तरह क्लाइंट बने बाद में जी, एयरपोर्ट पे आए, इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे, बेचारा तंग होके उसने कहा वास्ता खुदा का तुम्हें मुझे दो, मैं कहाँ साइन करूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक। ओ माई गॉड, वो चला गया बेचारा। हाँ पर चला गया देते हैं जी। फिर हमने चैलेंज किया और 1 साल बाद उसका रीइंस्टेट करके फिर वो बंदा आया, तो बस यही है कि बस यही है। तो या अगर आपका दूसरा ऑप्शन है अभी आपका, तो वो कर ले मैरिज के जी बेसिस पे अप्लाई कर ले, मैरिज की बेसिस पे अप्लाई कर ले तो वो बेहतर। लेकिन उसमें जो है वो रिस्क एलिमेंट जरूर है, जब ट्रैवल करेंगे कोई गारंटी नहीं मेरे भाई जी, लेकिन इवन मैरिज जब करेंगे और जब ट्रैवल करेंगे उस पे भी टॉय का वो ला सकते हैं? नहीं, वो तो फिर डिफरेंट वीज़ा होगा ना, तो वो टॉय अप्लाई नहीं करेगा उस पे, टॉय का तो नहीं है ना। अभी जो वीज़ा लेंगे उसमें A1 लेवल का ये सर्टिफिकेट लगाएंगे जी, ये फरमा भी रहे कि उन्होंने खुद ही किया था, वो तो होम ऑफिस प्रूव नहीं कर पाएगा जी, पर वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है ना जी, चैलेंज करेंगे फिर होगा, फिर अपीलें होंगी, सुना जाएगा क्या है, और आजकल पीछे पड़े हुए हैं तो बिल्कुल Up to 70,000 वो समझते हैं कि टॉय के लोगों ने गलत इस्तेमाल करके वीज़े एक्सटेंशन ली या इवन इनडेफिनेट ली है जी, बिल्कुल। और आप स्पेशल उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, एक एक ऐसा एक अदारा सा बनाया है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, होम ऑफिस वाले भी, इंटेलिजेंस यूनिट वाले भी इन्वॉल्व हैं, लेटर लिख के इंटरव्यू ले रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड, सॉरी वॉइस रिकॉर्ड करके अमेरिका भेज रहे हैं जी, ताकि क्योंकि जो टॉयक पर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज ETS जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्विस थी वो
अमेरिकन कंपनी थी जी, तो अब ये कहते हैं जी जितना पैसा खर्च होता है करें, इनको प्रोसिक्यूट करें। इमिग्रेशन तो अलग चीज़ है ना जी, बिल्कुल क्रिमिनल केस बनाना चाहते हैं। तो बस ये कि अगर मैरिज के बेसिस पे करना है तो कर लें, वरना इस पे ट्रैवल करने का ना सोचें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ताज़ीम नकवी लंदन से बोल रहा हूँ। लियाकत हुसैन साहब को बस कोई सवाल नहीं है बल्कि वेलकम करना है। हिदायत से माशाल्लाह तशरीफ ले आए, और सिस्टर आपको मुबारकबाद देनी है। माशाल्लाह ये आपका नया स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के दे, लियाकत साहब को दे, और आपको ये टॉपिक दे कि इस स्टाइल को कंटिन्यू करें। मेरी दुआएं आपके साथ। थैंक यू अब ये जब ये जो टॉय के मसले करेंगे, अब मुझे हमेशा ये बेचारों के लिए परेशानी होती है। लोग इतने अब परेशान बैठे हुए हैं इस पे, जो जेन्युइन हैं वो भी फंसे जा रहे हैं, जो नहीं जेन्युइन हैं उनको तो खैर। बात ये है कि वन बाय वन वो होम ऑफिस सारा रिकॉर्ड नकार रहा है, इवन इनडेफिनेट भी मिली है, तो उधर से भी वो भी कटेल कर लेंगे। यस, चलिए इसके मैं डिस्कस करूँगी। अगली कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम उमर है। जी उमर साहब, क्या पूछेंगे आप लियाकत साहब से? मुझे पूछना था कि आई एम एक्चुअली मैरिड टू अ क्रोएशियन। जी मैं इंडिया से हूँ जी, और आई एम अ क्रू एज वेल। जी जी मैं इंडिया और लंदन हर हफ्ते आता जाता रहता हूँ जी। सो मैं और मेरी वाइफ सोच रहे थे कि यू नो टू मूव टू लंदन जी, तो मेरे वो लीगल I don't know how to go about it. हाँ जी, तो समझ रहा था कि मिस्टर हुसैन कैन एडवाइज। हाँ जी जी बिल्कुल, खुद भी क्रोएशियन है, शादी के थ्रू मिसेस भी क्रोएशियन है, अब वो यहाँ लंदन मूव होना चाहते हैं, तो कहते हैं अगर आप एडवाइस करें कि किस तरह। मैं इस मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि क्या क्रोएशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है या नहीं। आई थिंक क्रोएशिया शुड बी यूरोपियन यूनियन का, बट मुझे खुद कन्फर्म नहीं है। उमर साहब आप ऑनलाइन हैं? अच्छा, माजर चाहती हूँ, मुझे खुद भी पक्का नहीं पता। अगर तो इनकी बीवी यूरोपियन है जी, तो आराम से यहाँ आके राइट ऑफ ट्रीटी एक्सरसाइज करें जी, यूटीआर नंबर लें या नेशनल इंश्योरेंस नंबर लें, तो बिल्कुल आराम से ये यहाँ यहीं से इनका वीज़ा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोएशिया इज़ द 28th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, प्रोड्यूसर साहब ने हमें अभी बताया, तो दे आर अ पार्ट ऑफ देयर पार्ट। जी देयर पार्ट। चूँकि मैं रमज़ान की वजह से, थोड़ी सी बीमारी की वजह से, ज़रा सा नहीं, आपकी सेहत भी काफ़ी ख़राब है, मैं गलत मशवरा नहीं देना चाहता। नहीं जी, बिकॉज़ अगर यूरोपियन यूनियन में यस, तो आराम से इनका हो जाएगा, राइट ऑफ ट्रीटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से इनका हो जाएगा, 5 साल का मिल जाएगा जी, तो आराम से आके। क्या नाम क्या बताया? उमर नाम बताया, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, उमर भाई हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, इनको गाइड करेंगे, इंशाल्लाह काम हो जाएगा इनका। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं जो सबसे ये पूछना चाहूँगा कि मैंने टॉइक किया था जी अपने स्टूडेंट एक्सटेंशन के लिए, लेकिन बाद में मुझे पता लग रहा था कि वो उसके ये जो रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे और इस तरह से जो हो रहे हैं जी, उसके बाद वो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, उसके बाद मैंने दोबारा आइल्स कर लिया था जी, ठीक है, आइल्स करके मैंने उसको सबमिट करवा दिया है जी। तो हालांकि टॉइक भी मैंने खुद ही किया था, ऐसे एज सच मैंने कुछ इस तरह से वो नहीं किया था, तो क्या अब मुझे ये डाउट है कि क्या उसको मैंने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया, तो क्या फिर भी कोई इस तरह से मुझे कहीं? नहीं नहीं नहीं, आपने आपने खुद किया है, रिप्रेजेंट किया ही नहीं, उसको यूज किया ही नहीं जी, बिल्कुल नया आपने वो आइल्स करके दे दिया, आपका तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, तो मुझे लगा कि ये अगर नहीं रिप्रेजेंट, मैंने फिर आइल्स कर दिया, आइल्स करके उसको वो दे दिया। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। आपने अच्छा किया, वो उसको यूज ही नहीं किया, आपने खुद पास किया, तो आप ये कर दिया, नहीं पता कोई मसला बनेगा ही नहीं, क्यों बनेगा जी? वो तो था कि अगर यूज करते उसको, जब यूज करते तो वो समझते कि जी इन्होंने डिसेप्शन से वो जी लिया है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपके फोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अदनान बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अदनान साहब, क्या पूछेंगे आप? मैंने ये पूछना था, मैंने यूरोपियन से मेरी शादी हुई है जी, लिथुआनियन से जी, और मैंने शादी की है आयरलैंड में जी,
और तो मैंने लियाकत साहब से ये पूछना था कि मेरा क्या प्रोसीजर होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ वीजे के लिए या नहीं, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं, यूके में आयरलैंड में? मैं यूके में आ गया हूँ और वहाँ पे मैंने सिर्फ शादी की है, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लिया है और ओके डजंट मैटर, ओके शादी रजिस्टर हो गई है, अब आपकी बेगम साहब आपके साथ हैं जी, यहाँ वो काम जी, जी जो भाई जी ना आपका बेगम जी ऑलरेडी यूके में थी, तो वो पिछले तकरीबन 4 साल से 5 साल से यहीं पे जॉब वगैरह यहीं पे कर रही है। हाँ तो फिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं, अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करें, वो हम अक्सर कहते हैं 127 पेजेस का वो फॉर्म, काफ़ी लंबा कर दिया उन्होंने, वो फिल करें, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, बैंक स्टेटमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो, पे स्लिप्स हों और मैरिज सर्टिफिकेट हो, वेडिंग फोटोग्राफ हो, इनका पासपोर्ट हो, उनका पासपोर्ट हो, तो आराम से इंशाल्लाह इनको 4-5 महीने तो लगाते हैं कम से कम जी, बिल्कुल इनको 5 साल का मिल जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके, और सम टाइम वो मे बी घर चेक करने भी आ सकते हैं जी, इंटरव्यू लेने भी आ सकते हैं जी, बिल्कुल, तो अगर मियां बीवी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फोन कॉल का, अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस इब्राहिम बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्या पूछेंगे? यूके से। हाँ जी, क्या पूछेंगे मिसेस इब्राहिम? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना 2014 में ना B1 किया था जी, और मेरा अभी वीजा नवम्बर में खत्म हो रहा है, एक्सपोर्ट वीजा, तो क्या ये सर्टिफिकेट चलेगा B1 का? जी अगर तो प्लीज मैं फोन बंद करूंगी तो मुझे आंसर दीजिएगा। ये मैंने जो B1 किया है ये मैंने मेंटेन लिमिट से किया है और इसकी एक्सपायर डेट 2016 है। जी जी, तो मेरी बहन अगर एक्सपायरी डेट 2016 है तो उससे पहले आप उसको बिल्कुल यूज कर सकती हैं, और अगर नवंबर में एक्सटेंशन की जरूरत है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए जी मिसेस इब्राहिम, काफ़ी सिंपल सा वो है कि अगर एक्सटेंशन है तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं जी, पर ठीक है वो आपसे थोड़ा सा गारंटी ले लेते हैं। बात यह है कि अगर तो किसी जिस तरह इनकी वैलिडिटी डेट है कुछ पे नहीं होती तो वो भी चल जाता है जी, बिल्कुल, तो इनकी वैलिडिटी डेट है अंटिल 2016, तो अभी नवंबर में अप्लाई करेंगे, आराम से उसको इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया मिसेस इब्राहिम आपकी फ़ोन कॉल का, अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सारा शेख बात कर रही हूँ। जी सारा जी, क्या पूछेंगे आप लाख साहब से? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ जी, और मेरे 3 बच्चे हैं जी, और मैंने वायलेंस पे केस किया था जी, तो मेरा इंडेफिनेट आ चुका है और मुझे अब क्या मुझे लाइफ इन यूके टेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, अगर हम मेरा इंडेफिनेट आ चुका है और अब मेरे ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो मुझे उसके लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल लाइफ इन यूके टेस्ट करना पड़ेगा? जी मेरी बहन, बिल्कुल करना पड़ेगा, इंडेफिनेट के लिए ये एग्जम्पशन है जी, बिल्कुल कि नहीं जरूरत है, रिफ्यूजी स्टेटस है, जिसने कहा वायलेंस पे किया था, आप वायलेंट थी, आपके साथ वायलेंस हुई है, सॉरी टू से दैट, डोमेस्टिक वायलेंस की बुनियाद पर उन्होंने अप्लाई किया होगा, तो आईएनआर पे उनको एग्जेम्पशन है, इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट फॉर इंडेफिनिट, नॉट फॉर नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के लिए इनको दोनों लाइफ इन द यूके और इंग्लिश B1 लेवल, तो ये अपना वो कर लें नेशनैलिटी अप्लाई कर दें, और ये भी चूंकि हम अक्सर डिस्कस करते हैं जो चेंजेस आई हैं अंडर गुड करेक्टर जी, ये भी देखें कि ये होम ऑफिस के नोटिस में कब आई हैं जी, बिल्कुल, अगर होम ऑफिस के नोटिस में आने से अब 10 साल हो गए तो अप्लाई कर सकती हैं 1 साल जी, बाद जी, बिल्कुल, अगर नहीं है तो फिर आप इनको पूरे 10 साल करने हैं जी, बिल्कुल पूरे करके फिर अप्लाई करें, फिर अप्लाई किसी से एडवाइस ले लें, अपना सारा डिटेल्स दिखा के, बेशक। शुक्रिया सारा शेख आपके फोन कॉल का, अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं राशिद बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी राशिद साहब, क्या पूछेंगे? जी लियाकत हुसैन साहब की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह भाईजान। सर मैंने अप्लाई की थी 2010 में अपनी नेशनैलिटी लॉन्ग ईयर 10 ईयर बेसिस पे जी, तो उसमें उन्होंने मेरी रिजेक्ट कर दी थी कि मैंने अपनी कन्विक्शन जो है ना वो डिस्क्लोज नहीं की और 10 ईयर का उन्होंने बैन लगा दिया था जी, जी।
और अभी मेरी जो है वो 5 ईयर जो मेरी कन्विक्शन है वो स्पेंड हो चुकी है, तो इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि मैं दोबारा अप्लाई कर दूं या 5 साल और इंतजार करूं? भाईजान अगर रिजेक्शन के लेटर में उन्होंने डेट लिख दी है कि आप इतने साल तक अप्लाई नहीं कर सकते, रीअप्लाई करेंगे, क्यों फीस आया करना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर ट्राई करना चाहते हैं कि क्या उन रियायत आपको हो सकती है, कोई अच्छा केस वर्क करो, सारा कुछ मेंशन कर दें, मैं नहीं समझता कि आपको पैसा ज़ाया करना चाहिए। जी, तो बट बेस्ट के 10 ईयर्स के बाद ही करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं जी? जावेद लंदन से बात कर रहा हूं। जावेद साहब, पूछिएगा क्या सवाल पूछना चाहेंगे जी। मेरे दो सवाल है। एक, मैंने ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था जी, लेकिन अभी मुझे पता चल गया एक जगह पे मैंने अपने पाप का नाम गलत लिखा और दूसरी जगह पे दूसरी चीज लिखी जी। अभी 6 माह हुआ है, कुछ भी जवाब नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरा 2 बच्चे और 1 बीवी है, काम नहीं कर रहे, अकाउंट में कितनी सेविंग होनी चाहिए? मेरे पास पैसे मेरे पास थोड़े बहुत है, लेकिन छोड़ने कितने पैसे और कितने टाइम तक होनी चाहिए? 2 बच्चे और 1 बीवी है। भाईजान, नेशनलिटी के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पैसा कितना होना चाहिए जी। नेशनलिटी के लिए हाँ, आपको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ज़रूर देनी पड़ती जी है, पिछले 10 साल की। अगर आप, मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पे इनको इंडेफिनिट मिली है जी, जो भी है, तो पैसे की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं जी। इवन के काम नहीं कर रहे, ये पूरे फुल बेनिफिट ले रहे हैं, बच्चों समेत ले रहे हैं, फिर भी इट विल मेक नो डिफरेंस एट ऑल। और जो मिस्टेक्स की हैं अपने फॉर्म पे, वो कहने 6 महीने का कोई जवाब नहीं आया, तो उसका क्या? पता नहीं क्या मिस्टेक्स की है इन्होंने, उनको खाते के लिखवा दें या खुद किया है, किसी वकील के थ्रू किया है, जो भी मिस्टेक्स की उसके बारे में लिख देंगे, करेक्शन कर देंगे जी ये। हाँ जी बिल्कुल, तो इंतज़ार ना करें, फौरन उनको बता दें। चलिए जी, जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? माज़र चाहती हूँ सर, रिसीवर में बात कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर लीजिएगा अपनी प्लीज। ठीक है, मैंने ये लियाकत सेंस साहब से सवाल पूछना है। हाँ जी, प्लीज पूछिए। हाँ जी, मैं सर ये अपना नेक्स्ट मंथ मैंने केस डालना है लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे जी, 10 साल बुनियाद पे। हाँ जी, 10 साल बुनियाद पे। और इसमें मैंने सवाल ये पूछना है, मैं 18 सितंबर 2005 को इधर आया था जी, मेरा वीजा 1 सितंबर 2005 को लगा था, तो मुझे 28 डेज है, वो कौन सी डेट से काउंट करने हैं मैंने? भाई जान, जहाँ मुझे ये बताइए, जहाँ आपने 10 साल इंतजार किया जी, तो 2-4 हफ्ते इंतजार करने में क्या हर्ज है जी? बिल्कुल, आप डबल फी भी पे करेंगे, विंडो पे जाएंगे, वो कहेंगे जी हम करेंगे, चेक करेंगे जी आपका, वो भी टाइम लगाएंगे, वो भी टाइम लगाएंगे। बिल्कुल, तो बेहतर यह है कि भाई पोस्ट करें, करने वाले अल्लाह की ज़ात है, आराम से आपका अल्लाह की आ जाएगा जी, इंशाल्लाह आ जाना चाहिए जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। नाज़रीन, माज़र चाहते हैं, बस हमारे शो का टाइम ही इतना था। लियाकत साहब, इतनी जल्दी घंटा गुजरा कि पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, हमारे सवालों के जवाब देने का। इंशाल्लाह अगले जो इंशाल्लाह अगले बुध को हम दोबारा हाजिर होंगे 4 से 5 बजे के दरमियान। जो भी आपके सवाल हैं आप तैयार रखिएगा। लियाकत साहब की तरफ से और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ आप सबको।